want and I pray. All I need are some better. और अभी हम जा रहे हैं तारंगा तीर्थ कर वन में और गाइस अभी ना हम तारंगा टेम्पल के तीर्थ कर वन में आए हैं। ये साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसमें श्रीपर्णी वन है, शिव मंदिर वन है, बिल्डा वन है, वाव है, व्यू पॉइंट है, नक्षत्र वन है, नवग्रह वन है, स्मृति वन, तीर्थकर वन, ये पूरा इसका फ्लो चार्ट है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और इधर सब खेलने की चीजें हैं और ये गेट है। ओके मैं दिखाती हूँ आपको, ये बहुत ही अच्छा है और आप यहाँ पे घूमने आना वेकेशन में, बहुत ही अच्छा है, एकदम फर्स्ट क्लास। नाश्ता वास्ता लेके आना, ये तो भूखे तरसे प्यासे मर जाएंगे। पानी भी मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा, पर उसके लिए थोड़ा सा बजट चाहिए। ओके गाइस, तो आपको आज मैं पूरा तारंगा तीर्थकर वन दिखाती हूँ। और उधर तारंगा टेम्पल था पर बहुत ऊपर था, अभी मेरी हालत नहीं थी कि मैं ऊपर चढ़ पाऊँ, तो मैंने नीचे जो जैन मंदिर था वहाँ पे ही दर्शन कर लिए हैं, वो आपने देखा। ओके, और वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है गाइस, तो प्लीज अपना मोबाइल की पैर साइलेंट रखना। और मैं आपको ये फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ और फिर जाती हूँ आगे, क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं है ज्यादा बातें करने का। कि ये ना इसका पूरा फ्लो चार्ट है, जब आप गेट में एंटर हो गए तो आपको पूरा दिखाई देगा। और ये थोड़ी सी सूचना है जिसका आपको पालन करना है। और इधर ना खेलने कूदने की चीजें हैं जो सब लोग खेल रहे हैं। ओके, और ये पूरा वन है। और अभी मैं जा रही हूँ इस ओर, और ये देखे पगली पगली फोटो खींच रही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज यार इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, अभी थोड़ा सुना सुना लग रहा है, जब मैं पहली बार आई थी तो यहाँ पे पूरा भरा भरा था, यहाँ पे सारे प्लांट लगे थे पर वो निकाल दिए गए हैं, अभी है नहीं। ओके, इसको लेके आई थी जब ये थोड़ी सी छोटी थी, मैं भी छोटी थी, मैं भी इतनी बड़ी नहीं थी, पर मैं आई थी, मतलब अगर वीडियो उतारा है। देखिए ये यहाँ पे आप बहुत आप ना यहाँ पे फोटोशूट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट लगे हैं। ओके, ये भी बहुत तगड़ा नज़ारा आ सकता है फोटोशूट के लिए, और घूमने का भी बहुत अच्छा प्लेस है। ये साइकस का प्लांट है ये वाला, और इसे ना हम ना बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़ा गार्डन है ये वाला। और देखिए यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट लगे कटिंग किए हुए हैं। और हमारा भाई तो देखिए उधर पहुंच चुका है अंदर, बताओ तुम दो दिन होंगे। ये औषधि है गाइस, आपको पता है बालों की, आंवला। ये वाला ना नक्षत्र, ये वन से एक, और गाइस ये है एक वन जिसमें अलग अलग वनस्पति है नक्षत्र के हिसाब से,
जिसके ये चंपा का पेड़ है, ये बांस का है, यहाँ पे पिंपल है, हाइकस रिलोजियस, ऐसे सब प्लांट यहाँ पे दिए गए हुए अलग अलग पुनर्वसन वास डेंड्रोक्लस्ट्राइप्स आंध्रा कृष्णार्जुन मृग शीर्ष खैर खैर का पेड़ है। ये पेड़ ना थोड़ा सा मतलब खिजड़ी का पेड़ जैसा होता है पर थोड़ा सा अलग होता है खिजड़ी के पेड़ से। और ये रोहिणी नक्षत्र का है जिसमें जामुन है। और ये कृतिका नक्षत्र है जिसमें उमरा। और ये भरणी आमड़ा। ये अश्विनी नक्षत्र है जिसका पेड़ दिया गया है जैर कोचलू कुचिला रेवती जिसमें दिया गया मौड़ा का प्लांट है। और यह है लेमन का पेड़ आएगा इसमें द्रपद्रपदा। बहुत सारे नक्षत्र है मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। पूर्वभद्रा जितने दिखाए उतने मतलब देखिए ये पूरा नक्षत्र के हिसाब से पूरा वन है। गाइस मेरे पीछे मैंने अभी आपको दिखाया वो नक्षत्र वाला वन है मतलब कि पूरे नक्षत्र दिए गए हैं और नक्षत्र के हिसाब से कौन से नक्षत्र में कौन सा प्लांट आता है वैसे प्लांट दिए गए हैं। जैसे कि मतलब ये रेवती नक्षत्र है तो उसमें महुड़े का महुआ आता है उसे गुजराती में महुड़ा बोलते हैं और उसको इंग्लिश में बोलते हैं मधु का इंडिका जिसका साइंटिफिक नेम है। ओके गाइस तो अब हम जाते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। और यहाँ ना हमने बहुत सारे ना आमले आमला 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 डाबर आमला तेल जो सर में ऐसे कुछ बहुत महंगा ला के लगाते इससे बेटर ये खाया करो यहाँ पे बहुत है। तो जब आओ तो एक बैग साथ में लेते आना। हम तो लाए नहीं है तो टॉवल में लिया है उसके पास है पीछे देखिए वो लेके चल रही है। और पर आप एक बैग में साथ लेते आना अच्छा है। और ये GJMS N8043 नंबर का पेड़ है इसको जरूर से इसको नोट करना। ओके मजाक कर रही हूँ गाइस ये बहुत ही अच्छा वन है मतलब ऋषि वन अच्छे अच्छे प्लांट है इसमें। ये बोल देखिए ये बांस कितने तगड़े बांस हुए यहाँ पे पक चुके हैं पर कोई काट नहीं रहा। मुझे परमिशन दे दे तो मैं एक ले जाऊँ पर नहीं मैं नहीं ले जाऊँगी क्योंकि मैं मुझे प्लांट से ना बहुत प्यार है मैं बहुत प्यार करती हूँ वनस्पति से। ओके गाइस तो पग में ना कोई रोग हुआ हो तो इसको लगाते है पक्का हुआ इसको सेक के लगाते है इसको मकरोड़ी बोलते है इसका साइंटिफिक नेम मुझे नहीं पता है पर देख लीजिए। तो हम गाइस यहाँ पे आओ ना दानंगा तो यहाँ आना मत भूलना बहुत ही अच्छा है देखने लायक और एकदम सुकून वाली जगह है एकदम। और गाइस ये वाला जो वन है वो राशि वन है जैसे कि आपकी राशि में जो भी पेड़ होगा वो होगा मतलब कि यह मिथुन है तो ये खैर है मिथुन वालों के लिए। और यहाँ पे कर्क राशि है तो नागेश्वरी नागकेसर मतलब के ये पेड़ है पीपल का। सिंह राशि वालों को वड हाइकस। और ये किसका है ये कन्या राशि वालों के लिए है जुई का प्लांट है। तुला राशि अर्जुन सादर का पेड़ है। और वृश्चिक राशि वालों के सिमरा शिमला का पेड़। और ये कौन सा है
यहाँ पे धन राशि नेत्र पर सूख गया है। मकर राशि वालों के लिए है आंकड़ा का पेड़। कुंभ राशि के कदम पर कदम का पेड़ भी अभी मतलब पाने नहीं लगे। मीन राशि वालों के लिए लेमन का पेड़। इस राशि वालों के लिए आंवला, मतलब कि सबकी राशि के तौर पे सबके पेड़ है। ये ना पूरा राशि वन है और राशि वन की इंफॉर्मेशन कन्या पीपल जुई ने बिली ओहो बिली तो फेवरेट हो लेडो। Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need. तो गाइस अभी हमने ऋषिवन घूम लिया है और अभी हम जा रहे हैं और जाते जाते हम चनी बोर खाते जाएंगे क्योंकि बहुत पक चुके हैं अभी तो चनी बोर खाएंगे फिर चल जाएंगे। ओके और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर जाके अगर कुछ अच्छा है तो मिलते हैं। और ये घूम लिया हमने ऋषिवन।